नमस्कार, जागरूकता के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक। इस प्रोग्राम का मकसद आप लोगों को जागरूक करना है, जिससे कि आप अपने अधिकारों के लिए सामने आगे बढ़कर आएं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंचे हैं मीनाक्षी जी के पास। आंगनवाड़ी के बारे में इनसे चर्चा करेंगे कि क्या क्या सुविधाएँ आंगनवाड़ी में मुहैया कराई जा रही हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहला सवाल, गांव-गांव में आंगनवाड़ी बनी हुई है, ये सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? देखिए, आंगनवाड़ी सेंटर के माध्यम से मैं पहले बताना चाहूँगी, फरीदाबाद में लगभग 1294 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, और आंगनवाड़ी सेंटर के माध्यम से हम बहुत सी स्कीम्स, जैसे जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 5,000 की राशि डायरेक्ट उनके खातों में प्रोवाइड की जाती है सीधा सरकार से। दूसरी हमारी स्कीम है आपकी बेटी हमारी बेटी, जिसके अंदर एससी परिवार, एससी और बीपीएल परिवार की फर्स्ट बेटी, सेकंड बेटी और थर्ड बेटी, और जनरल परिवार की सेकंड और थर्ड बेटी के नाम पे 21,000 की राशि LIC को एक मुश्त उसमें जमा करवाई जाती है, उसका इंश्योरेंस कराया जाता है। जो लड़की के 18 साल के होने के बाद वो परिवार वालों को बॉन्ड के माध्यम से दे दिया जाता है। एक जो मैम प्रेगनेंस लेडी को 6,000 रुपये की जो राशि मिलती है, उसका एक भ्रम फैला हुआ है कि उसके लिए एक सरकारी बैंक खाता ही होना चाहिए। नहीं, बैंक खाता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये DBT की स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का मतलब ये हुआ कि सरकार से सीधा जो पैसा है वो बेनिफिशरी के खाते में ही जाएगा। तो यस, खाता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस बेनिफिशरी का आधार नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ये ज़रूरी एक कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास पूरे होने चाहिए तभी। ये कंपलसरी तो नहीं है कि अकाउंट सरकारी बैंक के अंदर ही हो? नहीं, दिस इज़ नॉट कंपलसरी। किसी भी बैंक खाते में उसका है वो हम उसी के अंदर DBT करा सकते हैं। और राशन की बात करें, जो ननिहाल जो छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी द्वारा क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है? देखिए, अभी तो क्योंकि आंगनवाड़ी सेंटर 31 सितंबर तक बंद है, तो जितना भी राशन है वो कच्चा डोर टू डोर बेनिफिशरीज को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें गेहूँ, चावल, सोयाबीन, भुना चना, मुरमुरा, मूंगफली, भुनी मूंगफली, इस तरह का जो राशन है ये हम प्रोवाइड करते हैं, जो हर रेसिपी की मात्रा के अनुसार, जो 3 साल का बच्चा है उसकी मात्रा डिफरेंट होगी, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी मात्रा डिफरेंट होगी, तो उस मात्रा के हिसाब वो पूरे महीने का कैलकुलेट करके, चाहे वो 500 ग्राम बने या 700 ग्राम बने या 1 किलो बने, वो उनके डोर स्टेप पे उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। मैम, अगर किसी आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा ये सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही या कोताही बरती जा रही है, कुछ सामान कम दिया जा रहा है, तो उस पर आपका क्या एक्शन होगा? देखिए, अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी ब्लॉक में, हमारे ब्लॉक में महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यरत हैं, यदि ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो वो कंप्लेंट संबंधित महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास जाने के बाद 3 शो कॉज नोटिस इशू होते हैं उस आंगनवाड़ी वर्कर के, और उनके सेंटर की चेकिंग की जाती है, उनका रिकॉर्ड देखा जाता है कि वाकई में उनका जो फिजिकल राशन का रिकॉर्ड है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर राशन में कुछ धांधलेबाजी पाई जाती है तो आंगनवाड़ी वर्कर को पेनल्टी भी लग सकती है या उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर कोई आम जन किसी आंगनवाड़ी केंद्र की शिकायत करना चाहे तो किस तरह आपसे संपर्क कर पाएगा? देखिए, यहाँ पे 6 महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय चल रहे हैं, 2 NIT में, 2 बल्लभगढ़ में, 1 अर्बन और रूरल, और 2 फरीदाबाद में अर्बन एंड रूरल, तो टोटल 6 ब्लॉक्स हैं। इसमें हमारी वेबसाइट के ऊपर सभी के नंबर उपलब्ध हैं, उनसे कांटेक्ट करके या उनके ऑफिस में एक रिटर्न कंप्लेंट यदि जमा करवाई जाए तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा।